हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग प्योरी फ्यूचर डॉक्टर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाई, क्या एनिमल किंगडम क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 और नीट एग्जाम में क्या वेटेज इस चैप्टर का। हमारे नीट एग्जाम में यहाँ से भी हमारे 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यस इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट भी है और आसान चैप्टर भी है, तो मुझे बताओ फटाफट से वॉइस और वीडियो के बारे में, क्या वॉइस और वीडियो क्लियर है? सारे हमारे यहाँ पर मेनली क्या है, मेनली हमें थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें और फाइलम के बारे में जाननी पड़ती है, और सारे एग्जाम्पल हमें यहाँ पर क्या करने पड़ते हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल हमें यहाँ पर याद करने पड़ते हैं। तो मुझे फटाफट से वॉइस और वीडियो के बारे में बता देंगे अनीसा, अलका? ओके, वॉइस और वीडियो क्लियर है ना? यस सर, वॉइस और वीडियो क्लियर है। आपको क्या करना है, आप जल्दी से इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए भाई। यस, और हाँ, वीडियो को लाइक तो कर ही दोगे, और इस बेहतरीन से अनअकैडमी सेपियन जो कि हमारा अनअकैडमी टीम का बेहतरीन सा यूट्यूब चैनल, इसे क्या करोगे, सब्सक्राइब कर लोगे, ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल टाइमली आते रहे। यस सर, बिल्कुल टाइमली आते रहे। वॉइस और वीडियो क्लियर है ना एलेक्स, अलका? यस सर, वॉइस और वीडियो क्लियर है। नो दिक्कत, नो परेशानी, नो समस्या। किसी को दिक्कत, परेशानी, समस्या क्या? नो दिक्कत, नो परेशानी, नो समस्या सर, स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, और ना ही कोई समस्या है। ओके, करें भाई स्टार्ट। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं, सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ओके, वॉइस और वीडियो क्लियर है? नो दिक्कत, नो परेशानी, नो समस्या। करें स्टार्ट, बता दो ये बात मुझे फटाफट से सभी, जल्दी से। यस ना, एलेक्स, यारसी, वीना, नो दिक्कत, नो परेशानी। एनिमल किंगडम 3 से 4 सवाल हमारे यहाँ से हर साल नीट एग्जाम में आते ही आते हैं, तो करते हैं स्टार्ट। ओके सर, किया जाए फटाफट से स्टार्ट। आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ जल्दी से इस क्लास के लिंक को शेयर कर देना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर डॉक्टर में यहाँ पर ज्वाइन कर सकें। ओके सर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर डॉक्टर में यहाँ पर क्या कर सकें, ज्वाइन कर सकें। बहुत ही शानदार शानदार से अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, सारे आपके नीट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहले मेरे बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। माई सेल्फ इज विकास जहांगीर, आई एम नीट यूजी बायोलॉजी एजुकेटेड एन अकेडमी। करेंटली आई एम फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। नीट 2017 का जब मैंने पेपर दिया था, बायोलॉजी में मेरे 316 मार्क्स थे। आपको भाई कितना स्कोर करना है, कम से कम 330 प्लस स्कोर करना है। और 10% डिस्काउंट के लिए रेफरल कोड क्या है, विकास जहांगीर लाइव। यस, विकास जहांगीर लाइव, ये हमारा है रेफरल कोड भाई, 10% डिस्काउंट के लिए। यस सर, न्यू आइकोनिक हमारा लॉन्च हो चुका है। ओके ना, यहाँ पर देखिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं न्यू आइकोनिक सब्सक्रिप्शन के। लाइव डाउट सॉल्विंग, लाइव मेंटरिंग सेशन, फिजिकल नोट और ऑल बेनिफिट ऑफ प्लस। अब आपको मेंटरिंग सेशन कैसे बुक करने हैं, पहले तो अगर आपके डाउट इकट्ठे हो रहे हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप इनको ऑडियो कॉल के थ्रू सारे डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो। यस सर, पहले तो मेंटर से कैसे कनेक्ट करना है, पहले आपको मेनू में जाना है, वन ऑन वन लाइव मेंटरशिप सेलेक्ट करनी है, सेशन टाइप सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट पिक करना है, टाइम स्लॉट सेलेक्ट करना है, नोट्स ऐड करने और कंफर्म करना है सेशन को। और अगर आपको डाउट है तो आपको ऑडियो कॉल के थ्रू सारे डाउट आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। ओके सर, ब्रांडेड नोट्स लॉन्च हो चुके हैं, जिनको रिव्यू किया है टॉप रैंकर्स ने, बनाया है टॉप फैकल्टीज ने, और आप इनको कहीं भी कभी भी एक्सेस कर सकते हो। जो हमारे आइकॉनिक लर्नर 12, 18, 24 मंथ के लिए करेंगे सब्सक्राइब, उन्हें जो ब्रांडेड नोट्स, इनकी हार्ड कॉपी घर तक पहुंचाई जाएगी भाई। प्लस लर्नर को यहाँ पर इन ऐप एक्सेस मिलेगा सारे नोट्स का। ओके सर, बैच देख लीजिए, 18 अगस्त से कौन कौन से बैच, आज से कौन कौन से बैच आपके स्टार्ट होने वाले हैं। अर्ली अचीवर बैच, ये हमारा NEET 22 एस्पिरेंट्स के लिए है, और NEET 23 एस्पिरेंट्स के लिए उद्देश्य बैच, और NEET for Beginner बैच। कोड आपको यूज करना है क्या, विकास जहांगीर लाइव, ये आपको बात ध्यान रखनी है, विकास जहांगीर लाइव आपको कोड यूज करना है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इसके बाद देखिए हमारा 12, 18, 24 मंथ का प्लान है, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए एक फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 12, 18, 24 इंडिया बिगेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट, इनरोल करो यहाँ पर। 4 करोड़ तक का स्कॉलरशिप पूल है, 1 to 3 को 1 ईयर NEET UG+ सब्सक्रिप्शन, 4 to 10 75% स्कॉलरशिप, 11 to 50 50%, और 51 to 150 25% स्कॉलरशिप। कोड आपको यहाँ पर विकास जहांगीर लाइव करना है भाई यूज। यस सर, विकास जहांगीर लाइव, ये कोड करना है हमें यूज यहाँ पर। इसके बाद पहला सवाल हमारा ये रहा, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट कर रहे हैं। आज हमारा चैप्टर कौन सा है, आज हमारा चैप्टर है सर कौन सा, चैप्टर का नाम है क्या, एनिमल किंगडम। दो जवाब मेरे आसान सवाल का, दो जवाब फटाफट से क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच विद क्लास एंड देयर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। आसान आसान सवाल से शुरुआत करके डिफिकल्ट तक पहुंचेंगे। नॉट करेक्टली मैच विद
क्लास और देयर लेवल ऑफ ए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा आपको यहाँ पर गलत लग रहा है बता दो मुझे फटाफट से, कौन सा हमें यहाँ पर गलत लग रहा है, क्यों गलत लग रहा है, दो जवाब इसका, आसान सा सवाल है भाई। कैसे करोगे आंसर, पहले क्वेश्चन का नंबर लिखोगे, फिर ए बी सी डी जो भी इसका आंसर होगा वो लिखोगे, ठीक है। पहले क्या लिखोगे, पहले सर हमें यहाँ पर क्वेश्चन का लिखना है नंबर, यस सर, पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन का नंबर लिखना है, उसके बाद ए बी सी डी जो भी इसका आंसर है वो हमें आंसर करना पड़ेगा। ओके सर, आ गई है बात समझ में, ये आ गई है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बात समझ में, ये करते हैं स्टार्ट फिर फटाफट से, करते हैं स्टार्ट भाई फटाफट से फिर, यस सर, किया जाए स्टार्ट। क्या जवाब होगा इसका हमारा, क्या जवाब होगा इस सवाल का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वेरी गुड एलेक्स, अंजलि, शिरवानी, ऋतिक, भावेश, वेरी 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 गुड, सही आंसर करने हो आप, आर्नोल्ड राज। क्या जवाब इसका हमारा है सर, पॉरीफेरा सेलुलर लेवल, बिल्कुल सही है, सिलेट्रेटा टिश्यू लेवल। ओके, एनेलिडा में क्या होगा हमारा, एनेलिडा में सर हमारा क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, नॉट ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया सर, ऑप्शन सी इज दी गलत। अगला सवाल, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ, कोई भी प्लेन, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ड्यूडनम इनटू टू आइडेंटिकल हाफ, ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन, कोई भी प्लेन आपका दो में डिवाइड कर दे रहा है, कौन सी सिमेट्री कहेंगे से, हेलो नुसरत, हेलो प्रभा, दो इसका जवाब, क्वेश्चन नंबर टू का, प्लांट में भी होता है हमारा ये, एनिमल में भी होता है, कर दो इसका आंसर फटाफट से, क्या होना चाहिए इसका जवाब, क्या होना चाहिए इसका जवाब, कर दो भी फटाफट से, सभी फ्यूचर डॉक्टर बिल्कुल सही से आंसर कर देंगे, क्वेश्चन नंबर टू क्या होगा हमारा ये, यस सर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रेडियल सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल अनडिफ्रेंशिएट लेयर बिटवीन एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म, क्या जवाब होगा इसका हमारा, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में एक क्या होता है आपका, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक अनडिफ्रेंशिएट लेयर होती है, उसे क्या कहा जाता है, डिप्लोब्लास्टिक की बात चल रही है, पोरीफेरा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, ये तीनों हमारे क्या है यहाँ पर, तीनों हमारे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, प्लेटिहेलमिंथिस के बाद क्या हो जाएंगे हमारे, फिर प्लेटिहेलमिंथिस के बाद हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाते हैं, ये दो मेरे इस बेसिक से आसान से सवाल का जवाब क्या होगा सर। लाइव नाउ मॉक टेस्ट किस पर हमारा है सर, ये मॉक टेस्ट हमारा है, चैप्टर का नाम क्या है, एनिमल किंगडम पर, मॉक टेस्ट हमारा है एनिमल किंगडम पर, दो जवाब इसका क्या होगा, क्या होना चाहिए इसका जवाब बताओ फटाफट से। ओके सर बता देंगे क्या है इसका जवाब, यस सर, अनडिफ्रेंशिएट लेयर बिटवीन एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म, क्या होती है हमारी ये अनडिफ्रेंशिएट लेयर, ये हमारी किसकी होती है, मीजोग्लिया की, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर, यस सर, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम हैव ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लांट, ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब समझ रहे हो, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कहां पर आ गया था भाई, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लांट किसके अंदर मिलेगा, क्या जवाब इसका है, क्वेश्चन नंबर फोर का क्या जवाब इसका है सर, दो फटाफट से आंसर, क्या जवाब करना चाह रहे हो आप इसका, बेसिक सवाल है, आसान सवाल है, कर सकते हो आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लेटी हेलमेंथीज में हमारा क्या होता है, ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान होता है, ब्लाइंड से का मतलब समझते हो, सिंगल ओपनिंग सब एज बोथ माउथ एंड एनस, सिंगल ओपनिंग सब एज बोथ माउथ एंड एनस, जो हमारे एस्के हेलमेंथीज होते हैं, निमेट हेलमेंथीज, एस्के हेलमेंथीज, उनमें क्या होता है सर हमारा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है, क्या आपको ये बातें याद रहेंगी, क्या हमें ये बातें याद रहेंगी, यस सर, ये बातें हमें काफी अच्छे से याद रहेंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम पजेज ट्रू सिलोम, ट्रू सिलोम आपको कहाँ देखने को मिलेगी, एस्के हेलमेंथीज, टीनोफोरा, एनेलिडा या फिर हमारा प्लेट हेलमेंथीज, दो इसका जवाब भाई, और जो भी स्टूडेंट लाइव है जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, ओके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो भाई फटाफट से, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे सर, लाइव है तो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर फाइव का क्या जवाब होना चाहिए, ट्रू सिलोम आपको कहाँ देखने को मिलती है, दो इसका जवाब, ट्रू सिलोम कहाँ देखने को मिलेगी हमें यहाँ पर, टीनोफेरा, प्लेटिहेलमिंथीज में क्या होता है हमारा, प्लेटिहेलमिंथीज असिलोमेट होते हैं, टीनोफेरा में तो बॉडी कैविटी की बात ही नहीं करेंगे, एस्केलमेंथीज क्या होते हैं हमारे, स्यूडो, एसके क्या होते हैं हमारे, स्यूडो सिलोमेट,
रू कहाँ मिलेगी हमारी सर? एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइंड्रोमेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, यहाँ क्या मिलती है सर हमारी? ट्रू सीलोम मिलती है। ओके सर, आ गई है ये बात भी समझ में, ये वाला सवाल भी हमें काफ़ी अच्छे से आ गया है समझ में। तो अगला सवाल, फिर अगला सवाल हमारा ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, सेगमेंटेशन आपके कहाँ पर एबसेंट होते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो तो बता ही दोगे आप, कहाँ कहाँ एबसेंट होते हैं वो बता दो। सेगमेंटेशन हमारा कहाँ कहाँ एबसेंट है, दो इसका जवाब क्वेश्चन नंबर 6 का, कहाँ एबसेंट होगा हमारा सेगमेंटेशन सर, बताओ इसके बारे में फटाफट से, मुझे बताओ इसके बारे में फटाफट से, कहाँ हमारे सेगमेंटेशन नहीं होते हैं, क्या जवाब होना चाहिए इस बेहतरीन से आसान से सवाल का, आंसर क्या होना चाहिए भाई? एनेलिडा में, यस सर, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, मेटामेरिजम, आर्थ्रोपोडा में हमारा एक्सटर्नल, कोडेटा में हमारा इंटरनल, वर्टिबल कॉलम में होते हैं आपके नोटोकोड में, मोलस्का में साफ साफ लिखा हुआ है क्या? बॉडी इज अनसेगमेंटेड, साफ साफ आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्या मोलस्का के बारे में क्या, कि बॉडी इज अनसेगमेंटेड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किस किस ने किया इसे सही, देखते हैं भाई किस किस फ्यूचर डॉक्टर ने इसे बिल्कुल सही किया हमारे इस बेहतरीन से सवाल को। ओके, अलेक्स, भावेश, शीतल, ऋत्विक, अंजलि, प्रवीण, वीना, प्रभा, वेरी 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 गुड। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपका कहाँ देखने को मिलता है? एक हमारा क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर क्या सर, वाटर कनाल, वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर कनाल कहाँ देखने को मिलेगा, और सर हमारा वाटर वेस्कुलर कहाँ देखने को मिलेगा? बहुत ही ज़्यादा बेसिक सवाल हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 7। डी और सी में कंफ्यूज हो रहे हो, वाटर वेस्कुलर आपका, वाटर वेस्कुलर हमारा सर इकाइनोडर्मेटा में मिलता है, वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर कनाल हमारा पोरीफेरा में मिलता है, ये बातें हमें काफ़ी अच्छे से याद रखनी है। वेरी गुड ऋत्विक, एलेक्स, आशीष, अनीस, अंजलि, शीतल, वीना, सिमी, प्रभा, साक्षी, वेरी गुड, दर्शा, प्रवीण। ओके सर, क्या इसका आंसर हमारा गया ऑप्शन सी, यहाँ पर हम स्टार लगा लेंगे। स्टार लगाने की वजह क्या है, यहाँ पर कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं किस किस टर्म में, वाटर वेस्कुलर और वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कनाल सिस्टम में। अगला सवाल हमारा ये रहा, करेक्ट मैच आपको क्या लग रहा है यहाँ पर, करेक्ट मैच क्या लग रहा है बताइए जल्दी से, ये मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा यहाँ पर, यहाँ इसको मैं मेडुसाई कर रहा हूँ, अब करो आंसर, अब सही करो, पहले दो आंसर लग रहे थे सही लेकिन अब करो आंसर जल्दी से, क्या होगा, क्या होगा करेक्ट जवाब इसका क्वेश्चन नंबर 8 का? हाइड्रा हमारा पोलिप होता है, एडमेसिया हमारा, हाइड्रा हमारा मेडुसा नहीं सर, पोलिप होता है, ये गलत, एडमेसिया हमारा सर पोलिप होगा, ओबेलिया बोथ पोलिप एंड मेडुसा, ये बिल्कुल सही है, ओरेलिया हमारा मेडुसा होता है, ठीक है ऑप्शन सी दी करेक्ट। ओबेलिया में क्या होता है आपका, पॉलिप, पॉलिप से मेडुसा बनता है कैसे और मेडुसा से पॉलिप बनता है कैसे, पॉलिप से मेडुसा बनता है कैसे सर हमारा, असेक्सुअली, ओके, और मेडुसा से पॉलिप कैसे बनता है हमारा, सेक्सुअली, आपको याद रखना है, इसे क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस बोलते हैं, किसमें होता है आपका, ये ओबेलिया में होता है, ये डायग्राम में बार बार बनाता हूँ आपको याद रखना पड़ेगा, पॉलिप से मेडुसा असेक्सुअली और मेडुसा से पॉलिप सेक्सुअली, ओबेलिया में होता है, मेटाजेनेसिस कहते हैं इस टर्म को, हम इस टर्म को मेटाजेनेसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेडुसा फॉर्म, कौन हमारे यहाँ पर मेडुसा फॉर्म है, कौन हमारे यहाँ पर मेडुसा फॉर्म है बताओ इसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेडुसा फॉर्म सर, क्या जवाब होगा हमारा इसका, क्या जवाब होगा हमारा इसका, कर दीजिए फटाफट से, कर सकते हैं सर, कर सकते हैं आंसर, यस, ओरेलिया, ओरेलिया हमारी क्या है, मेडुसा फॉर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेंट्रेट, कौन आपके यहाँ पर सिलेंट्रेट का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो हमें एनिमल किंगडम में सारे याद रखने पड़ेंगे, यस सर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, सारे ही एग्जाम्पल हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से करने पड़ेंगे याद, इसका बताओ आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेंट्रेट, सी काओ, सी कुकुम्बर, सी फैन या फिर सी हॉर्स, कोई नहीं वैसा असलम, अभी टाइम है काफ़ी, अरुण, एलेक्स, अंजलि, क्या जवाब जाएगा इसका हमारा, सी फैन, क्या नाम होता है सी फैन का, सी फैन का नाम क्या होता है ये तो बताओ फटाफट से, क्या नाम होता है भाई सी फैन का, गौर, 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 गौरगोनिया, गौरगोनिया, क्या ये बात सही लिखी मैंने यहाँ पर, यस सर गौरगोनिया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, कौन आपको यहाँ पर करेक्ट मैच लग रहा है भाई? एडमेसिया, पेनेटुला, गोरगोनिया, मेंड्रियना, क्या सही लग रहा है? काफी अच्छे अच्छे सवाल हैं सारे हमारे यहाँ पर, एनसीईआरटी लेवल के सवाल है भाई। तो इसका जवाब क्वेश्चन नंबर ही हमारा 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, एडमेसिया सही है ये? नो सर, एडमेसिया हमारा क्या होता है? सी एनिमोन। पेनेटुला सी पेन, गोरगोनिया सी फेन, तीनों गलत हो गए। मैंड्रियाना ब्रेन कोरल है, बिल्कुल सही है। बाकी जो मैंने मैच किया यहाँ पर, एडमेसिया सी एनिमोन एक एग्जाम्पल याद हो गया हमें, और गोरगोनिया सी फेन ये एक एग्जाम्पल याद हो गया हमें, पेनेटुला सी पेन एक एग्जाम्पल हमें ये याद हो गया, ठीक है, और मैंड्रियाना ब्रेन कोरल एक एग्जाम्पल हमें याद हो गया। लगभग हमने सारे एग्जाम्पल कर डाले हैं याद। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज एक्सक्लूसिवली मराइन, कौन सा ऐसा फाइलम है जो सिर्फ समुंदर में मिलता है भाई? एक्सक्लूसिवली मराइन, जो हमारा सिर्फ कहाँ मिलेगा? मराइन वाटर में मिलेगा। तो इसका जवाब एमटीआर कर सकते हो अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो। पूरे एनिमल किंगडम में दो फाइलम ऐसे हैं, एक मैंने यहाँ पर आंसर में दे रखा है, दूसरा आप बताओगे कमेंट करके। एक मैंने यहाँ पर आंसर में दे दिया है, दूसरा आप मुझे बताओगे कमेंट करके, ठीक है? बताओ जल्दी से, एक हमारा क्या हो गया सर? टीनोफोरा। एक हमारा टीनोफोरा हो गया, दूसरा कौन? दूसरा हमारा बताओ, करो कमेंट फटाफट से भाई। दूसरा हमारा क्या है सर यहाँ पर? इकाइनो डरमेटा। इकाइनो डरमेटा ये दोनों क्या होते हैं हमारे? ये दोनों सर हमारे एक्सक्लूसिवली मराइन है। वेरी गुड एलेक्स, अवेसा, परवीन, वेरी 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 गुड। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, आप चाहो तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक्सक्लूसिवली मराइन हमारे पास कितने फाइलम? एक्सक्लूसिवली मराइन हमारे पास यहाँ पर दो फाइलम है, कौन कौन से? टीनोफोरा और इकाइनो डरमेटा। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 13, टीनोफोरा की मेन प्रॉपर्टी क्या है? मेन प्रॉपर्टी ऑफ टीनोफोरा, सेगमेंटेशन, नीडोब्लास्ट या फिर बायोल्यूमिनेसेंस, क्या हमारी मेन प्रॉपर्टी है टीनोफोरा की? बेसिक सा सवाल, करो इसका जवाब जल्दी से। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूले भाई, 50+ लाइक का टारगेट हमारा है क्लास एंड होते होते। दो इसका जवाब क्वेश्चन नंबर 13 का, मेन प्रॉपर्टी ऑफ टीनोफोरा। वेरी गुड ऋत्विक, शीतल, अंजलि, वीना, अरुण, एलेक्स, सस्मिता, आशीष, साक्षी, श्रीजा, ओके, निसर्ग, प्रवीण, सही आंसर किया आपने भावेश। बायोलुमिनिसेंस, बायोलुमिनिसेंस इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ फाइलम टीनोफोरा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिलोमेट एनिमल, कौन आपका यहाँ पर अ सिलोमेट एनिमल है? दो इसका जवाब, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है सर ये? क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिलोमेट एनिमल, कौन हमारा यहाँ पर अ सिलोमेट है? क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आंसर होना चाहिए? अ सिलोमेट कौन होते हैं हमारे? प्लेटी। यस, प्लेटी हेलमेंथीज हमारे क्या होते हैं? अ सिलोमेट। तो यहाँ पर कौन आपका प्लेटी का एग्जाम्पल है? टीनिया। बाकी देखो, वाउचेरी आपका एसके हेलमेंथीज का एग्जाम्पल है, लिम्यूलस हमारा आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल होता है, और डेंटिलम टस्क सेल किसका? मोलस्का का। ओके सर, तो क्या जाएगा इसका आंसर हमारा? टीनिया। अगर मैं आपसे यहाँ पर क्या पूछता, अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछता क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्यूडो सिलोमेट, स्यूडो सिलोमेट के बारे में आप फिर क्या आंसर करते इसका? फिर हम यहाँ पर आंसर करते क्या? ऑप्शन बी, वाउचेरिया एसके हेलमेंथीज का जो हमारा मेंबर है वो क्या है भाई? स्यूडो सिलोमेट। यस ऋत्विक, शीतल, साक्षी, ओके। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे, डबल सर्कुलेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? एनिमल किंगडम का सवाल और सर्कुलेटरी सिस्टम का भी सवाल भाई, डबल सर्कुलेशन में कहाँ देखने को मिलेगा? क्या होगा इसका जवाब? कहाँ देखने को मिलता है? एक हमारा कौन हो गया? बर्ड्स। और कहाँ? मैमल्स। और एक एक्सेप्शन है कौन? रेप्टाइल का कौन सर? क्रोकोडाइल। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। तो शार्क हमारा, कार्टिलेजिनस फिश, फ्रॉग एम्फीबिया, लिजार्ड रेप्टाइल। यहाँ पर हमारा दो चैम्बर, यहाँ पर हमारा थ्री चैम्बर, फोर्थ चैम्बर कहाँ? वेल। वेल क्या है हमारे यहाँ पर? वेल हमारी मैमल्स हैं, और मैमल्स में क्या होता है हमारा? डबल सर्कुलेशन, फोर्थ चैम्बर हार्ट। ओके, आ रही है बातें समझ में? ज़्यादा स्पीड से तो नहीं पढ़ रहे हम, स्पीड के बारे में बताओ भाई, किसी को स्पीड ज़्यादा तो नहीं लग रही है? नो सर, नहीं लग रही स्पीड बिल्कुल भी ज़्यादा। ठीक है स्पीड ना? ठीक है स्पीड, ओके सर, स्पीड ठीक है भाई, नीट एग्जाम पास आ रहा है तो थोड़ा स्पीडली करवाने की कोशिश की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ए प्लेटी हेलमेंथीज, प्लेटी हेलमेंथीज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर? चारों स्टेटमेंट पढ़ो, जो गलत होगा फिर मैं बताऊंगा आपको वो गलत क्यों है, ठीक है ना?
अगर कोई गलत होगा तो मैं बताऊंगा आपको वो गलत क्यों है। पहले इसका दो जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्लेटी हेलमेंथीज, क्या करेक्ट है हमारा प्लेटी हेलमेंथीज के बारे में यहां पर, क्या जवाब जाएगा इसका, क्या जवाब जाना चाहिए इसका, बताओ फटाफट से भाई। चारों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़कर दोगे जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्लेटी हेलमेंथीज, क्या करेक्ट है हमारा यहाँ पर प्लेटी हेलमेंथीज के बारे में, क्या करना चाह रहे हो जवाब इसका भाई। दे आर स्यूडोसिलोमेट, नो सर दे आर असिलोमेट, ये तो गलत हो गया ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए तो हमारा यहाँ पर गलत हो गया है। उसके बाद ऑप्शन बी क्या है हमारे यहाँ पर, देखते हैं। सेक्सेज आर सेपरेटेड, सेक्सेज आर सेपरेटेड, ये क्या है सर, ये सही है क्या, मुझे बताओ ऐसा होता है क्या, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा प्लेटी हेलमेंथीज में? नो सर, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में कहाँ देखने को मिलता है, एस के हेलमेंथीज में देखने को मिलता है, प्लेटी में नहीं, ये भी गलत हो गया। लोकोमोटरी ऑर्गन यहाँ पर एबसेंट होते हैं, तीन गलत। सही क्या, रेस्पायरेशन बाय बॉडी सरफेस, लेकिन अगर कोई एंडोपैरासाइट होगा तो वो एनएरोबिक होता है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। क्या करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन डी करेक्ट है सर हमारा यहाँ पर। ओके, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17, इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्यूडोसिलोमेट, कौन आपका यहाँ पर स्यूडोसिलोमेट का एग्जाम्पल है, बताओ मुझे फटाफट से, कौन हमारा यहाँ पर स्यूडोसिलोमेट का एग्जाम्पल है, कौन हमारा यहाँ पर एस के हेलमेंथीज का एग्जाम्पल है। एस के हेलमेंथीज, निमेट हेलमेंथीज हमारे स्यूडोसिलोमेट होते हैं। 17 का क्या करना चाह रहे हो जवाब, 17 का क्या करना चाह रहे हो जवाब, दो फटाफट से आंसर इसका, क्या आंसर जाना चाहिए भाई इसका, क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर जाना चाहिए, बताओ फटाफट से। ओके ओके ओके, हुक वॉर्म सर, वेरी गुड। निसर्ग, शीतल, प्रभा, श्रीजा, भावे, शीतल, वीना, अंजलि, डी नाइट गेमिंग, आशीष, अनीसा, अनीस, ईशा, ऋत्विक, एलेक्स, वेरी गुड। हुक बॉम एंड साइक्लोस्टोमेटा जो हमारा क्या होता है, एस के एलमंथीज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिजोडम, कौन किसके पास मिजोडम तो है लेकिन सीलोम नहीं है, कोई है हमारे यहाँ पर जिसके पास मिजोडम तो है लेकिन सीलोम नहीं है भाई, कौन हमारे यहाँ पर असीलोमेट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक और असीलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक और असीलोमेट। यहाँ पर देखो आपको दो ऑप्शन सही लग रहे होंगे, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन 5 दे रहा हूँ क्या, बोथ 2 एंड 4, बोथ 2 एंड 4, अब क्या करोगे आंसर, एसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ट्रू पूछा है ना तो स्यूडो वाले को भी लेना है यहाँ पर, आपको इंक्लूड करना है किसे, स्यूडो सिलोमेट वाले को भी इंक्लूड करना है, करो इंक्लूड। अर्थवर्म हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक है लेकिन इसके पास ट्रू सिलोम होती है, हिरुडिनेरिया इसके पास भी ट्रू सिलोम है, राउंड वर्म और फ्लैट वर्म, राउंड वर्म हमारा क्या है, राउंड वर्म हमारा स्यूडो सिलोमेट है, और फ्लैट वर्म प्लेटियल मंतीज क्या है हमारा, एसिलोमेट। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर, बोथ 2 एंड 4, राउंड वॉर्म एज वेल एज फ्लैट वॉर्म, दोनों ही हमारे कैंसर यहाँ पर, मेजोडम तो है लेकिन ट्रू सिलोम दोनों के पास ही नहीं है, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा क्वेश्चन में दिक्कत हो गई थी इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड, कौन आपका है जहाँ पर मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलता है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सेगमेंटेशन, क्या इसका जवाब है क्वेश्चन नंबर 19 का, दो जवाब फटाफट से दीजिए जवाब फटाफट से भाई, क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 19 बताओ जल्दी से। मेटामेरिकली सेगमेंटेड, कौन हमारा इंटरनल प्लस एक्सटर्नल सेगमेंटेशन कहाँ देखने को मिलता है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन कहाँ देखने को मिलेगा भाई हमें। ओके ओके ओके, एलेक्स, रूपाली, भावेश, वेरी गुड, राफिया, शीतल, यस सर, ऑप्शन ए, एनेलिडा जो हमारा किसका एग्जाम्पल होगा, एनेलिडा का एग्जाम्पल होगा सर। वाट इज ट्रू अबाउट नर्वस सिस्टम ऑफ एनेलिडा, एनेलिडा क्या है हमारा नॉन कॉर्डेट है, तो नॉन कॉर्डेट में नर्वस सिस्टम हमारा कैसा मिलता है, नॉन कॉर्डेट में नर्वस सिस्टम हमें कैसा देखने को मिलेगा, दो जवाब इसका, फटाफट
फटाफट से कर देंगे जवाब इसका। भाई क्या होगा जवाब इसका, क्या होना चाहिए जवाब इसका? क्वेश्चन नंबर 20 बताओ भाई, 20 का देखते हैं कौन कौन कर रहा है सही आंसर। आई लाइक शूज, क्या हुआ भाई? और कितना फास्ट करें, और कितना फास्ट किया जाए, और कितना फास्ट किया जाए? 20 का आंसर कर दो पहले तो मुझे। 20 का बी और डी में कंफ्यूज है। शीतल बिल्कुल सही, देन प्रभा वेरी गुड, रूपाली एक बार कमेंट करो बस, दो बार नहीं। नव कोड हमारी, देखो हमारी कैसी है, हम क्या है, हम कोडेट हैं। हमारी नव कोड कैसी है, हमारी डोर्सल है तो इनकी वेंट्रल होगी, डोर्सल नहीं होगी वेंट्रल, वेंट्रल वेंट्रल। हमारी क्या है भाई, हमारी होलो है, इनकी कैसी होगी, इनकी सॉलिड होगी। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर, वेंट्रल सॉलिड डबल और गैंग्लियोनेटेड। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच, फिर से मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल याद करवा रहा हूँ, फिर से किसका लेना है स्क्रीनशॉट इसका? 20 का लेना है ऋतिक, स्क्रीनशॉट ले लिया है? 20 का लेना है स्क्रीनशॉट, क्या ले चुके हो क्या? यस सर ले चुके हैं स्क्रीनशॉट, बिल्कुल अच्छे से ले चुके हैं स्क्रीनशॉट। ओके चलो, ओके ओके ओके, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए ना ऋतिक? 19 का तो ये लो, 19 का ले लो भाई। नाइनटीन का ले लो फटाफट से, हो गया भाई। ओके आगे बढ़ता हूँ मैं, यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 21, करेक्ट मैच आपको बताना है। एन ऑफ लीज क्या करता है, क्यूलेक्स क्या करता है, एडीज क्या करता है, नन ऑफ दी अबो, क्या करेक्ट लग रहा है आपको यहाँ पर? क्या एन ऑफ लीज आपका डेंगी करता है, ऐसा आपको लगता है किसी को? फीमेल एनोफिलीज सर हमारा मलेरिया कोच करवाता है, याद करो, प्लाज्मोडियम पेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मेलेरी। ओके सर एडीज, एडीज क्या करवाता है हमारा? एडीज सर हमारा डेंगी करवाता है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। बचा क्या, क्यूलेक्स, यस सर क्यूलेक्स हमारा एलिफेंटाइटिस का वेक्टर होता है। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर, वेरी गुड दर्शिका, वेरी गुड अवेशा, वेरी गुड अंजलि, शाबाश, देन साक्षी, ओके वीना, एलेक्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आर्थ्रोपोडा, कौन सा हमारे यहाँ पर आर्थ्रोपोडा का करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22 भाई, कौन सा हमारे यहाँ पर आर्थ्रोपोडा का करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। क्लास कितने बजे तक है? 45 सवाल हमारे हैं यहाँ पर, 45 सवाल जैसे हो जाएंगे क्लास खत्म हो जाएगी भाई। आई लाइक शूज, ठीक है ना, आधे लगभग हमने कर लिए हैं। दो जवाब इसका, क्या होना चाहिए इसका जवाब हमारा? ओके सर बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, ये भी सही बात है। हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, जॉइंटेड अपेंडेजेस आर्थ्रोपोडा। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर आपका क्लोज टाइप नहीं होगा, कैसा होगा? ओपन टाइप होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, आर्थ्रोपोडा में हमारा ओपन टाइप होता है, तो यही गलत हो गया। एक्सक्रीशन थ्रू मालफिजेंट टिब्यूल, ये भी सही है हमारा, ठीक है बाकी सब सही है। गलत क्या हुआ? गलत सर हमारा यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट हुआ है भाई? गलत सर हमारा यहाँ पर एक स्टेटमेंट हुआ है, वो कौन सा स्टेटमेंट है? वो हमारा है ऑप्शन सी। आप देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, एनेलिडा, एनेलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, आर्थ्रोपोडा में ओपन होता है, यस ना, आर्थ्रोपोडा में ओपन होता है क्लोज नहीं, तो इन दो टर्म में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्लास का टाइमिंग यूट्यूब पर आपका 9 बजे है, और कल 4 बजे आपकी भाई, कल 4 बजे अन अकेडमी लर्नर ऐप पर फुल सिलेबस टेस्ट होगा। अन अकेडमी लर्नर ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेरी प्रोफाइल की लिंक भी मिल जाएगी। स्पेशल क्लास में आप मुझे सर्च भी कर सकते हो, वहाँ पर रोज होती है ये क्लास। यस अगला सवाल 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग मोलस्का, मोलस्का के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखते हैं अभी, जो गलत होगा उन्हें गलत किया जाएगा, जो करेक्ट है उन्हें करेक्ट किया जाएगा। दो जवाब इसका, क्वेश्चन नंबर 23 का क्या जवाब है इसका, क्या जवाब इसका भाई बताओ, क्वेश्चन नंबर 23 का। कीजिए आंसर मेरे इस बेसिक से आसान से सवाल का, क्या आंसर होगा भाई, क्या आंसर होना चाहिए सर इसका? इसका आंसर सर हमारा देखो, मोलस्का इज द लार्जेस्ट, नो सर मोलस्का इज सेकेंड लार्जेस्ट,
फर्स्ट लार्जेस्ट कौन होता है हमारा? फर्स्ट लार्जेस्ट हमारा कौन होता है? आर्थ्रोपोडा। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है हमारा सर यहाँ पर? आर्थ्रोपोडा होगा, नॉट मोलस्का। मोलस्का इज एक्सक्लूसिवली मराइन। नो सर, मराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर। बॉडी इज सेगमेंटेड। नो सर, बॉडी इज अनसेगमेंटेड। ये भी गलत हो गया। ए सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म ए मेंटल ओवर दिस विसरल हम्प। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तीन गलत हो गए। किसी को कोई आपत्ति में? किसी को कोई आपत्ति भाई कि सर आपने तीनों गलत कैसे कर दिए? अगर है तो बताओ मुझे, किसी स्टेटमेंट में, किसी भी स्टेटमेंट में दिक्कत है तो बताओ मुझे। वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। नो सर, नहीं है किसी भी स्टेटमेंट में दिक्कत नहीं है हमें। विच वन इज मोलस्का? कौन आपका यहाँ पर मोलस्का का एग्जाम्पल है? कौन हमारा यहाँ पर मोलस्का का एग्जाम्पल है? बताओ जल्दी से। एग्जाम्पल तो बता ही सकते हो। यस सर, एग्जाम्पल तो बताया जा सकता है। कौन हमारा? सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस, पाइसेज में आता है। सी माउस, सी हेयर, सी काउ। सी हेयर एप्लेसिया, ये पढ़ा है हमने ना, एप्लेसिया। सी हेयर ये हमारा मोलस्का का एग्जाम्पल है। विच वन इज करेक्ट अबाउट इकाइनोडर्मेटा? इकाइनोडर्मेटा के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या लग रहा है आपको यहाँ पर? दीजिए इस बेसिक से सवाल का जवाब। क्या करेक्ट स्टेटमेंट लग रहा है आपको किसके बारे में सर? इकाइनोडर्मेटा के बारे में। 25, 25, 25, 25 करेक्ट आंसर क्या लग रहा है आपको यहाँ पर? देखते हैं चारों स्टेटमेंट को। हैव एक्जो स्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ओसिकल, इतना सही है। लेकिन ये आपका एक्जो नहीं, एंडो होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे यहाँ पर कंप्लीट तो है। माउथ ऑन डोर्सल साइड? नो सर, एनस ऑन डोर्सल साइड, नॉट माउथ। एनस ऑन डोर्सल साइड, माउथ आपका वेंट्रल साइड पे होता है। माउथ हमारा कहाँ होता है सर? माउथ हमारा वेंट्रल साइड पे होता है। ओके सर। प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये बिल्कुल ठीक है। एक्सक्रीशन थ्रू बॉडी सरफेस, एक्सक्रीशन थ्रू बॉडी सरफेस एंड गिल्स, यहाँ पर आपके भाई एक्सक्रीशन के लिए कोई प्रोटोन एफ्रिडिया वेफ्रिडिया नहीं होती है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम हमारा यहाँ पर है। और वाटर कनाल सिस्टम कहाँ देखने को मिलता है? वाटर कनाल सिस्टम कहाँ देखने को मिलता है? वाटर कनाल सिस्टम सर हमारा हमें पोरी फेरा में देखने को मिलेगा। कहाँ? पोरी फेरा में देखने को मिलेगा वाटर कनाल सिस्टम। वेरी गुड इवनिंग पीयूष। हेलो निरंजन साहू, बने रहिए सब साथ में, अपने दोस्तों के साथ। क्लास के लिंक को कीजिए शेयर और हाँ लाइक कीजिए वीडियो को ताकि और स्टूडेंट ज्वाइन हो। ऐसे में तुम्हारे पूरे चैप्टर को करवा दूंगा भाई मॉक टेस्ट। रोज रोज एक मॉक टेस्ट लेकर पूरी बायोलॉजी की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सारे सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर अच्छे अच्छे आइडेंटिफाई दी करेक्ट मैच, आपको यहाँ पर करेक्ट मैच सेलेक्ट करना है। फिर से हम यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल कर रहे हैं याद। वेरी गुड इवनिंग टू एवरी फ्यूचर डॉक्टर। हेलो श्रीजा, दो इसका जवाब इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल की बात चल रही है यहाँ पर। क्या क्या आंसर हो सकता है इसका, देखते हैं फटाफट से। एस्टरिस हमारा क्या होता है? एस्टरिस बीटल स्टार नहीं होता। एस्टरिस क्या होता है हमारा? स्टार फिश। ओके, एस्टरिस स्टार फिश हो गया। इकाइनस हमारा क्या होता है? इकाइनस सी अर्चिन होता है। ये बिल्कुल सही है। एंटीडोन सी लिली होता है। ऑफ्यूरा हमारा बीटल स्टार होता है। ओके ना, ऑफ्यूरा बीटल स्टार, एंटीडोन सी लिली, इकाइनस सी अर्चिन, तो ये आंसर हो गया। और एस्टरिस हमारा क्या होता है? स्टार फिश। क्लियर 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 सर, बिल्कुल क्लियर है। सारे ही क्लियर है। ओके सर। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं? कौन है हमारे यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहाँ पर सर? हेमिकोडेटा में। बताओ जल्दी से क्या है हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन हेमिकोडेटा में? दो इसका जवाब दे दो फटाफट से, इस बेहतरीन से आसान से सवाल का जवाब भाई। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन हेमिकोडेटा क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन ए प्रोबोसिस ग्लैंड। फ्लैम सेल हमारा क्या होता है? सबसे पहले फ्लैम सेल ही हमारी एक्सक्रीटरी सेल आई थी कहाँ पर? प्लेटियल मंथीज में। नेफ्रीडिया हमारा एनलिडा में। ग्रीन ग्लैंड कहाँ होती है आपकी? ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड कहाँ होती है? ग्रीन ग्लैंड कहाँ पर एक्सक्रीटरी होता है ये भी बता दो भाई। ग्रीन ग्लैंड के बारे में बता दो, ये कहाँ होता है हमारा? आर्थ्रोपोडा में किसी में होता है क्या? आर्थ्रोपोडा में क्रस्टेशिया। यस सर, आर्थ्रोपोडा याद रखो आप अपने लेवल पर, यही आपके लिए काफी है। ओके सर, अगला सवाल हमारा ये रहा। विच वन इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोडेट?
कॉर्डेट का कौन सा हमारा यहाँ पर करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? प्रॉन, यस प्रॉन में ग्रीन ग्लैंड। आपको बस आर्थ्रोपोडा याद रखना है, आर्थ्रोपोडा रखना है याद हमेशा यहाँ पर बस। विच इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेटा, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल होलो सिंगल नॉन गैंग्लियनेटेड नर्वस सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ पोस्टनल टेल। ये गलत क्यों हुआ, ये गलत क्यों हुआ? प्रेजेंस ऑफ नॉट सिंगल, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लेट। वेरी गुड एलेक्स, अवेशा, दीपांशु, ऋषभ, वीना, ऋत्विक, भावेश, प्रभा, अंजलि, बहुत सही आंसर किया भाई आप सभी ने, बहुत सही आंसर किया। यहाँ पर सिंगल नहीं पेयर्ड आना था, इसलिए हमारा नॉट ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेटा हो गया। फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट कौन है इन चारों में से, कौन हमारा फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट है बताओ मोहन, गौरव भाई सही आंसर, कौन हमारा यहाँ पर फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट है सर? क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर देखो यहाँ पर, यूरो कॉर्डेटा में क्या होता है कि देखो आप, नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट है, ठीक है, नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट है, लेकिन क्या होता है यहाँ पर, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन, ओनली इन लार्वल टेल। यस सर, लार्वा की टेल में होता है, इसलिए हमारा कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट कौन होगा हमारा? सिफेलोकॉर्डेटा। यहाँ पर क्या होगा आपका? नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू, नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, इसलिए हमारा क्या हो गया फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट कौन हुआ हमारा यहाँ पर? सिफेलोकॉर्डेट होता है, ना कि हेमिकॉर्डेटा। आपको अगर ये बात पता नहीं थी तो क्या करेंगे आप यहाँ पर, हम सर यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसे क्या कर लेंगे, एमटीआर कर लेंगे, मुझे तो रटो कर लेंगे। ऑप्शन बी है करेक्ट इसका आंसर, ओके अंजलि, ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि सर यूरो कोडेटा में तो हमारी नोटोकॉर्ड ओनली लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है, लेकिन सिफेलो कोडेटा में परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। क्वेश्चन नंबर 30 ये क्या कह रहा है हमसे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। आपको यहाँ पर इनकरेक्ट मैच सेलेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है, जल्दी से करो इनकरेक्ट मैच को आइडेंटिफाई। कैसे करोगे, कैसे करोगे, कर लोगे जल्दी से, करो फिर फटाफट से भाई, कर दो फटाफट से इनकरेक्ट मैच को आइडेंटिफाई, जल्दी से कर लिया जाए, जल्दी से कर लिया जाए भाई इनकरेक्ट मैच को आइडेंटिफाई। बताओ क्या इसका जवाब है, बता दो मुझे क्या इसका जवाब है, कर दो फटाफट से आंसर, क्या होना चाहिए जवाब इसका? ओके सर, क्या जवाब इसका हमारा? ओके, ब्रेंक्योस्टोमा, लैंसलेट, मैक्सिन हैगफिश, प्रिस्टिसोफिश, तीनों सही हैं। पेट्रोमाइजोन क्या होता है हमारा? पेट्रोमाइजोन स्टिंग रे नहीं होगा, स्टिंग रे कौन होता है हमारा? ट्राइगोन, ट्राइगोन हमारा स्टिंग रे है, पेट्रोमाइजोन हमारा लैम्प्री होता है, तो गलत क्या हो गया, गलत हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी हो गया। यस सौंदर्या, यस दीपांशु, प्रभा, भावेश, आई लाइक सू, शीतल, चिन्मय, सही किया भाई आपने आंसर यहाँ पर, काफी सही आंसर किया। विच वन इज जोलेस फिश, कौन आपके यहाँ पर जोलेस फिश है, कौन आपके यहाँ पर जोलेस फिश है बताओ जल्दी से, कौन सी हमारे यहाँ पर जोलेस फिश है भाई, करो इसका आंसर जल्दी से, क्या होगा जवाब? विच वन इज जोलेस फिश, मैक्सिन, स्कोलोडियन, प्रिस्टिस या फिर एक्जोसीटस? मैक्सिन, स्कोलोडियन, प्रिस्टिस या फिर हमारा एक्जोसीटस, जोलेस फिश के बारे में बताना है। स्कोलोडियन कार्टिलेजनस फिश, प्रिस्टिस हमारा कार्टिलेजनस फिश, एक्जोसीटस हमारा बोनी फिश, मैक्सिन हमारा साइक्लोस्टोमेटा, यही हमारा क्या है, यही सर हमारा जोलेस फिश है, साइक्लो, साइक्लोस्टोमेटा मतलब सर्कुलर माउथ। सर्कुलर माउथ क्यों हुआ? सर्कुलर माउथ इसलिए हुआ सर क्योंकि क्या नहीं है, क्योंकि जो नहीं है, यही रीजन है यहाँ पर सर्कुलर माउथ होने का। 32 का जवाब, विच वन इज कॉर्डेट बट नॉट वर्टिब्रेट, कौन आप है यहाँ पर? कॉर्डेट का एग्जाम्पल तो है लेकिन वर्टिब्रेट नहीं है, क्या इसका जवाब है? क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, कॉर्डेट का एग्जाम, विच वन इज कॉर्डेट बट नॉट वर्टिब्रेट, स्कोलोडियन फिश, ये तुम्हारा वर्टिब्रेट हो गया, स्टार फिश ये मत कर देना कोई आंसर, ये हमारा क्या होता है, ये सर हमारा नॉन कॉर्डेट होता है, तो ये तो आप आंसर कर ही नहीं सकते हो, ठीक है ना, बाकी देखते हैं। चलो स्कोलोडियन हमारा कौन हो गया, फिश हो गया, कार्टिलेजनस फिश, तो ये हमारा तो क्या हो गया, वर्टिब्रेट हो गया।
हैग फिश मैक्सिन इसका क्या है? हैग फिश मैक्सिन ये क्या होता है? हैग फिश मैक्सिन क्या होता है? दो इसका जवाब भाई। मैक्सिन आपके किस फाइलम का मेंबर है? यस सर, ये क्या है हमारा? ये हमारा कोडेट है। विच वन इज कोडेट बट नॉट वर्टिब्रेट? क्या हैगफिश हमारा वर्टिब्रेट होता है? क्या जवाब करना चाह रहे हो आप इसका? बताओ मुझे फटाफट से। अच्छा सवाल है। एम्फियोक्सस लैंसलेट, एम्फियोक्सस लैंसलेट ये हमारा क्या हो गया? हमारा कोडेट तो लेकिन वर्टिब्रेट नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट जाएगा इसका। यस सर, ऑप्शन सी करेक्ट जाएगा इसका। ओके, लैंडस्लेट ये हमारा क्या है? ये हमारा सिफेलो कोडेटा है। सिफेलो कोडेटा है मतलब हमारा कोडेट तो है लेकिन वर्टिब्रेट नहीं है। मैक्सिन हैगफिश हमारा साइक्लोस्टोमेटा होता है, ये भी हमारा वर्टिब्रेट होता है भाई। ओके सर, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट साइक्लोस्टोमेटा? साइक्लोस्टोमेटा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर इनकरेक्ट है? दीजिए इस बेसिक से सवाल का आंसर। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट साइक्लोस्टोमेटा? क्या इनकरेक्ट है हमारा साइक्लोस्टोमेटा के बारे में? ऑल लिविंग मेंबर ऑफ दिस क्लास आर एक्टोपेरासाइट ऑन सम फिश, बिल्कुल सही है। ऑप्शन भी देखो, दे हैव इलोंगेट बॉडी बियरिंग 6 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट, सही लग रहा है ये। देयर बॉडी डिवाइड ऑफ स्केल और पैरफिन, ये भी सही है। मेराइन होते हैं लेकिन स्वापनिंग के लिए ये माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर में। ये गलत हो गया ना? क्यों क्यों गलत हुआ ये? एलोंगेट बॉडी है बियरिंग 6 to 15 पेयर, 6 to 15 पेयर नॉट 6 to 7 पेयर, इसलिए गलत हुआ हमारा ये। ऑप्शन बी। मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पर बस एक वर्ड चेंज किया और पूरा क्वेश्चन हमारा घूम गया भाई। इसीलिए क्वेश्चन को आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ध्यान से पढ़ना चाहिए, पूरा मन लगाकर। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ओके ना? ओपरकुलम कहाँ पर होगा? ओपरकुलम, O4, ओपरकुलम, ओपरकुलम, ओपरकुलम कहाँ पर होगा ये? ऑस्टियोक्थिस, ऑस्टियोक्थिस बोनी फिश, बोनी फिश का क्या एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर है? स्कोलोडियन ट्राइगोन प्रिस्टिस, स्कोलोडियन डॉग फिश, ट्राइगोन में जी आ रहा है हमारी क्या होती है? स्टिंग रे, ये हमारी स्टिंग रे है। प्रिस्टिस हमारी सो फिश है, स्कोलोडियन हमारी डॉग फिश है। ये तीनों क्या हो गए सर हमारे? ये तीनों हमारी कार्टिलेजनस फिश होती हैं। क्लेरियस मगूर ये हमारी बोनी फिश है। बोनी फिश में क्या होगा हमारा? ओपरकुलम, ऐसे याद करो, ओ ओ फॉर ओपरकुलम, ओ फॉर ऑस्टियोक्थिस। ये गोला है हमारा, गोला किसके साथ लग रहा है? ब्लेडर की तरह, एयर ब्लेडर। तो एयर ब्लेडर भी आपका बोनी फिश में मिलता है, ओपरकुलम भी हमारा बोनी फिश में मिलता है। फिर सर कार्टिलेजनस फिश में क्या मिलता है? सी फॉर कार्टिलेजनस फिश, सी फॉर क्लेस्पर, ये कहाँ मिलता है हमारा? ये सर हमें कार्टिलेजनस फिश में मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा हमें? ये सर हमें यहाँ पर कार्टिलेजनस फिश में मिलता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 35। प्लेकोइड स्केल आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन विच प्लेकोइड स्केल आर प्रेजेंट? प्लेकोइड स्केल हमारे कहाँ प्रेजेंट होंगे भाई? बताओ ये बात फटाफट से। प्लेकोइड स्केल आर प्रेजेंट, प्लेकोइड स्केल आर प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लेकोइड स्केल? दो इसका जवाब। कार्टिलेजनस फिश या फिर बोनी फिश? आसान सा सवाल है, आसान सा सवाल है, आसान सा जवाब। यस दीपांशु, वीना, वीना सही करो आंसर। यस दीपांशु, प्रभा, एलेक्स, मोहन, बिल्कुल सही आंसर आपका। रेखा, बहुत सही आंसर है भाई। यस सर, कार्टिलेजनस फिश में हमारे प्लेकोइड स्केल मिलते हैं। विच वन इज ट्रू फिश? कौन आपके यहाँ पर ट्रू फिश का एग्जाम्पल है? जो सही मायनों में, जो सही मायनों में सर पाइसेस में आती है, क्लास पाइसेस में आती है, कौन हमारी है भाई ट्रू फिश? ट्रू फिश कौन है? दो इसका जवाब। विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फिश? कौन हमारे यहाँ पर ट्रू फिश का एग्जाम्पल है? क्रे फिश, सिल्वर फिश, हैक फिश या फिर सॉ फिश, कौन है ट्रू फिश का एग्जाम्पल? कल हमारा जो मॉक टेस्ट होगा वो किस पर होगा सर? एक तो 4 बजे, 4 बजे अन अकेडमी लर्नर ऐप,
अन अकेडमी लर्नर ऐप पर क्या होगा? अन अकेडमी लर्नर ऐप पर आपका फुल सिलेबस टेस्ट होगा, सब ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी मेरे प्रोफाइल का, और फ्री में ज्वाइन करने के लिए आपको कोड यूज करना है क्या? विकास जहांगीर लाइव, ये कोड हमें यूज करना है सर फ्री में ज्वाइन करने के लिए। ट्रू फिश कौन हमारी यहाँ पर? सोफिश प्रिस्टिस, ये हमारी कार्टिलेजनस फिश का एग्जाम्पल, इसलिए ट्रू फिश हमारी ये। एन एम्फीबिया, हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व आर प्रेजेंट? एम्फीबिया में आपके कितने पेयर क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती है, और ह्यूमन में कितने पेयर क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती है ह्यूमन का बताओ। इन ह्यूमन देर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, इन एम्फीबिया देर आर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। यू शुड लर्न दिस, ओके, यू शुड लर्न दिस भाई। इन एम्फीबिया देर आर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, इन मैमल्स, इन ह्यूमन देर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। या सिल्वर फिश एम्फीबिया में, वेरी गुड दीपांशु। ओके 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 सर, 12 पेयर इन ह्यूमन, मैमल्स 10 पेयर इन एम्फीबिया। पिक द इनकरेक्ट मैच, आपको यहाँ पर इनकरेक्ट मैच बताना है। सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पर एम्फीबिया के रिवाइज कर लेंगे भाई, सारे एग्जाम्पल एम्फीबिया के हम यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। दो इसका जवाब, पिक द इनकरेक्ट मैच, आपको क्या बताना है यहाँ पर सर? हमें यहाँ पर इनकरेक्ट मैच बताना है, तो बताओ जल्दी से। बूफो टोड सही लग रहा है। राना राना टिग्रेना हमारा फ्रॉग होता है। ट्री फ्रॉग कौन होता है? ट्री फ्रॉग हमारा हाइला होता है। हाइला, हम क्या करेंगे अगर किसी पेड़ पर मेंढक को बैठा देखेंगे तो क्या बोलेंगे? हाइला, आइला, मेंढक बैठा हुआ है। ट्री फ्रॉग इज हाइला, तो यही गलत हो गया। इक्तियोफिश हमारा लिम्बलेस एम्फीबिया। एलाइटस हमारा क्या होता है? मिडवाइफ टोड। बाकी तीनों सही है, गलत क्या हुआ? राना हमारा क्या होगा भाई? फ्रॉग होगा, नॉट ट्री फ्रॉग। क्यों? ट्री फ्रॉग हमारा होता है क्या? हाइला। ट्री फ्रॉग हमारा हाइला होता है। फाइंड आउट इनकरेक्ट मैच, फिर से आपको इनकरेक्ट मैच बताना है। यहाँ पर हम रेप्टाइल के करने वाले हैं एग्जाम्पल याद। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं भाई? रेप्टाइल के एग्जाम्पल करने वाले हैं याद। यस सर, यस यस यस। फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच, क्या इनकरेक्ट मैच है? दो इसका जवाब, चिलोन टर्टल, कमेलियन, ट्री लिजार्ड, हेमिडेक्टाइलस हमारा गार्डन लिजार्ड नहीं होता, वॉल लिजार्ड होता है। बेंगरस क्रेत ये सही है। गार्डन लिजार्ड कौन होता है हमारा? गार्डन लिजार्ड कौन होगा भाई? गार्डन लिजार्ड से हमारा केलोटिस होता है। केलोटिस क्या है हमारी? गार्डन लिजार्ड। हेमिडेक्टाइलस हमारी वॉल लिजार्ड होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है, और यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमने पूछा क्या था? हमने पूछा था इनकरेक्ट इनकरेक्ट इनकरेक्ट। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 40, विच क्लास हैज द रिचेस्ट ब्लड इन एनिमल किंगडम? रिचेस्ट ब्लड एनिमल किंगडम का आपका कौन सी क्लास में होता है? एयर से कहाँ पर होते हैं? एयर से कहाँ पर होते हैं जो हमारे रेस्पायरेशन को क्या करते हैं? रेस्पायरेशन को सप्लीमेंट करते हैं। रेस्पायरेशन को सप्लीमेंट करते हैं एयर से, कहाँ होते हैं हमारे? एवीज में, एवीज बर्ड्स। और इसीलिए सर यहाँ पर क्या होता है हमारा? प्योरेस्ट ब्लड, रिचेस्ट ब्लड इन द एनिमल किंगडम। ये आपका PYQ सवाल है, आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया है। क्यों? क्योंकि ये हमारे PYQ में आया हुआ है। PYQ वाले सवाल हमें जानना जरूरी है, PYQ वाले सवाल जानना काफी ज्यादा जरूरी है सर। यस, बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये बात। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 41, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर बर्ड्स? बर्ड्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? चारों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे। एवीज आपका बर्ड्स होते हैं, ठीक है? एवीज बोले तो बर्ड्स, बर्ड्स का दूसरा नाम एवीज है। 41 का करो आंसर। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल, सही बात है। एंडोस्केलेटन इज ऑसिफाइड एंड लॉन्ग बोन्स आर निमेटिक। एयर से कनेक्टेड टू लंग, सप्लीमेंट रेस्पायरेशन, फर्टिलाइजेशन आपका इंटरनल होगा, एक्सटर्नल नहीं। यही गलत हो गया, डी इज इनकरेक्ट। यस दीपांशु, अमित गुप्ता, एलेक्स, अविशा, अमित, वीना, अंजलि। यस सर, ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर रेस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होंगे वेल का? वेल हमारी पानी में रहती है, तो क्या वेल के रेस्पायरेटरी ऑर्गन सर हमारे यहाँ पर गिल्स होने चाहिए और मछलियों की तरह? हिंट दे रहा हूँ, क्या तुम ये हिंट लोगे मुझसे? नहीं सर, ऐसी हिंट नहीं चाहिए, ऐसी हिंट चाहिए ही नहीं सर जो गलत करवा दे सवाल, ये सवाल गलत करवा दे, ऐसी हिंट सर हमें चाहिए ही नहीं।
दो जवाब इसका फिर, दो जवाब इसका फिर, क्या जाएगा जवाब? वेल हमारी क्या है? मैमल्स है। मैमल्स में क्या होते हैं सर? वेल हमारी मैमल है। मैमल्स में क्या होते हैं हमारे? मैमल्स में लंग्स होते हैं, नॉट गिल्स। लंग होगा, यस दीपांशु, वेरी गुड। एग लेइंग मैमल कौन सा है? मैमल मेनली क्या होते हैं हमारे? मेनली मोस्ट ऑफ दी मैमल्स हमारे क्या होते हैं? विवीपेरस होते हैं, जो यंग वन को बर्थ देते हैं। लेकिन कौन सा मैमल है जो अंडे देता है भाई? अंडे देने वाला मैमल कौन सा है? करो इसका आंसर। कौन हमारा है, कौन सा मैमल हमारा है जो अंडे देता है सर? ये हमारा है प्लेटीपस। 44, विच इज कॉमन बिटवीन पैरट, प्लेटीपस एंड कैंगरू? पैरट, प्लेटीपस और कैंगरू में क्या कॉमन है? क्या कॉमन बात है पैरट, प्लेटीपस और कैंगरू में भाई? दो इसका जवाब। आसान तो सवाल हमारा ये। ओविपेरेटी, नो सर। कैंगरू हमारा विवीपेरस होता है। होम्योथर्मी, नो सर। होम्योथर्मी, यस। तीनों हमारे क्या हैं? बर्ड्स और मैमल। बर्ड्स और मैमल्स हमारे क्या होते हैं? होम्योथर्मल होते हैं। तो यस सर, इसका आंसर क्या आ गया हमारा? होम्योथर्मी। क्योंकि ये तो मैमल है और ये दोनों क्या हो गए हमारे? बर्ड्स हो गए। लास्ट सवाल आज का, ये क्या कह रहा है हमसे? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच विद पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी? कौन आपका करेक्टली मैच है विद पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी? दो जवाब इसका। कटल फिश, मोलस्का। मोलस्का क्या होता है? क्लास होती है क्या? ह्यूमन, प्राइमेटा। प्राइमेटा फैमिली होती है क्या? हाउस फ्लाई, मुस्का। मुस्का क्या आपका ऑर्डर होता है क्या? दो जवाब इसका। क्या लग रहा है आपको आंसर भाई यहाँ पर? क्या लग रहा है इसका जवाब? करो फटाफट से आंसर। कर दोगे क्या? यस सर, कर दिया जाएगा। देखते हैं, चलो। मुस्का हाउस फ्लाई का है लेकिन ऑर्डर नहीं होता, जीनस होता है। ह्यूमन में प्राइमेट आपका ऑर्डर होता है। मोलस्का में, मोलस्का हमारा क्या होगा? फाइलम होगा। सही क्या बता? टिग्रिस। टिग्रिस हमारा स्पेसीज है, ये बिल्कुल सही है। ओके, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। जितने स्टूडेंट लाइव हैं वो वीडियो को लाइक करते हुए जाएंगे, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइमली आते रहें। अपने दोस्तों के साथ क्लास के लिंक को शेयर भी कर दोगे भाई। कल हम यहाँ पर, कल किसका लेंगे मॉक टेस्ट? कल अगर 9 बजे आपका यहाँ मॉक टेस्ट होता है तो चैप्टर कौन सा होगा हमारा? एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू पर करेंगे भाई हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है? चैप्टर कौन सा सर? एनिमल टिश्यू, ओके ना? और 4 बजे हमारी स्पेशल क्लास है, फुल सिलेबस टेस्ट, वहाँ पर आ जाओगे। किसी को दिक्कत, परेशानी, समस्या? आज के जो हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, किसी को दिक्कत है क्या इसमें? यस और नो, यस और नो। दिक्कत है? नहीं है दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, 50+ लाइक्स का टारगेट है भाई। ओके, ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। फ्यूचर डॉक्टर्स, पढ़ते रहिए, सबसे ज़्यादा यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।